Hello all, welcome to the video lecture series of VLSI Technology. Subject code is KEC053 and here we are in lecture number 19. In the previous lecture, हम लोग बात कर रहे थे फोटोलिथोग्राफी की. फोटोलिथोग्राफी क्या है, what is the basic concept, कि हम फोटोलिथोग्राफी क्यों use करते हैं, that we have to remove some particular portion of the oxide layer जो हमने oxidation में develop किया था. ठीक है, और उस ऑक्साइड लेयर को किस तरह से रिमूव करते हैं, दैट इज द प्रोसेस फोटोलिथोग्राफी, जिसमें हमने 1 by 1 जो हमारे 8 स्टेप्स हैं फोटोलिथोग्राफी के अंदर, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लीनिंग अप टू योर लास्ट स्टेप इज फोटोरेसिस्ट स्ट्रिपिंग, वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे. सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर द फोटोलिथोग्राफी पार्ट ऑन द प्रीवियस 2 लेक्चर्स. नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं अनदर टाइप ऑफ लिथोग्राफी, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी. व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी इन्वॉल्व एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूवमेंट करते हैं या किस तरह से अरेंजमेंट है जिसमें कि हमारा इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी होता है. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं या इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी की बात करूं, तो दैट ऑफर्स हाई रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू अवर ऑप्टिकल लिथोग्राफी, बिकॉज हमारा जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है वो स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू द लाइट, एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल लाइट यूवी एक्सपोजर. तो जो हमारा एक्सपोजर पोर्शन होता है इसके अंदर, दैट विल ऑफर हाई रेजोल्यूशन एज कम्पेयर टू अवर ऑप्टिकल लिथोग्राफी. तो दैट इज वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ अवर इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी. बट अगर एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज भी होते हैं. दिस प्रोसेस कॉस्टली एज द डिवाइस इज कॉस्ट मोर एंड मोर, या आप कह सकते हैं डिवाइस की कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अवर ऑप्टिकल लिथोग्राफी. बट मुझे केवल यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी क्या है. तो फर्स्टली आई हैव, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन कि दिस इज एडवांटेजियस ओवर अवर नॉर्मल फोटोलिथोग्राफी और ऑप्टिकल लिथोग्राफी, बिकॉज इट ऑफर्स हाई रेजोल्यूशन ड्यू टू द स्मॉल वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ जैसे कि मेन थिंग रेजिस्ट फोटोलिथोग्राफी का या लिथोग्राफी प्रोसेस का जो मेन हर्ट है, हर्ट ऑपरेशन है, दैट इज कॉल्ड द फोटो रेजिस्ट और वी कैन से रेजिस्ट. तो रेजिस्ट यहाँ पे कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे ब्रेक होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर ऑफ रेजिस्ट अकर्स थ्रू बॉन्ड ब्रेकिंग. ठीक है, हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग की थ्रू, एक तरह से अगर आपने रेजिस्ट लेयर लगाई है और उस पर जब हम इलेक्ट्रॉन का एक्सपोजर करेंगे, सो जो रेजिस्ट हमारा ब्रेक हो जाएगा दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रेजिस्ट. और अगर हमारा रेजिस्ट ब्रेक नहीं होगा, दैट मीन्स इट विल अगेन, दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपोजर विल फॉर्म अनदर पेयर ऑफ बॉन्ड्स और क्रॉस लिंक बिटवीन द पॉलीमर चेन्स, देन इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्ट. मतलब आइडिया वही है जो हमने वहां पर ही पढ़ा था कि जैसे कि यूवी लाइट जिन एरियाज पे एक्सपोज होती है, दैट बिकम्स मोर हार्डन इन केस ऑफ नेगेटिव रेजिस्ट. तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे एक्सपोज करेंगे ऑन दैट पोर्शन, वेल दैट पोर्शन बिकम्स मोर हार्डर, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेजिस्ट. और पॉजिटिव रेजिस्ट के केस में क्या होगा, जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, दे विल ब्रेक दिस फोटो रेजिस्ट. तो यहाँ पे इस चीज को हम बोलते हैं पॉजिटिव रेजिस्ट. ओके, सो दिस इज द अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट आई कैन से कि योर मेक टू मेक अ कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग योर पॉजिटिव फोटोरेजिस्ट एंड नेगेटिव फोटोरेजिस्ट इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी. नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन अवर इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी, या जिसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ऑप्टिक्स. तो अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. सिंपल सा एक प्रोसेस है. प्रोसेस क्या है वो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में शो कर रखा है. बेसिकली क्या चीज़ है, इट विल यूज टू मैग्नेटिक लेंसेज. ये आप अगर देख पा रहे हो तो एक लेंस यहाँ पे है एंड दिस इज द सेकेंड लेंस. ठीक है, जिसे हमने यहाँ फाइनल लेंस बोला है, दिस इज द फाइनल लेंस एंड दिस इज द फर्स्ट लेंस. तो ये दोनों के दोनों किस लिए यूज हो रहे हैं, दिस लेंस इज यूज टू मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये मैग्निफाई करेगा और ये लेंस वहीं पे डी मैग्निफाई करेगा उस इमेज को. किसकी इमेज को, जो यहाँ से सोर्स इमेज जनरेट होगी. और इस सोर्स इमेज को हमें कहाँ पे भेजना है, दिस इज माई वेफर प्लेन, दिस इज माई वेफर, जहाँ पे मुझे इस इमेज को पहुँचाना है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी. सो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई भी है साथ के साथ, जिससे आपको समझने में, लाइन को पढ़ने में भी आसानी रहे, बिकॉज आपको पेपर में लिखना भी है. सो यू कैन नोट डाउन फ्रॉम हियर. और यही चीज़ आप क्वेश्चन पेपर में लिख भी सकते हैं, ताकि आपको डायग्राम के साथ साथ कुछ चीज़ें लिखी हुई मिल जाती हैं, तो वी कैन से दैट योर कंप्लीट, योर आंसर इज फुल्ली कंप्लीट.
So what I have written here, two or more magnetic lenses are used to form a demagnified image of the source on the wafer image plane. So jaise ki maine bola first lens and two lenses. Then starting from the top part there is what? There is a cathode. जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं. तो दिस कैथोड इज मेड जनरली अ थर्मियोनिक एमिटर आइदर अ टंगस्टन हेयरपिन और अ पॉइंटेड लेंथम ब्रोक्साइड LaB6 रॉड होती है जिसको जिसका काम क्या है, जिसका काम है इलेक्ट्रॉन को एमिट करना. तो सिंपली कैथोड इज बेसिकली अ थर्मियोनिक एमिटर जिसका काम होगा इलेक्ट्रॉन बीम को एमिट करना. नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन बीम यहीं की साइड कैसे मूव करती है ये हमने पहले ही पढ़ रखा है. बहुत जगह आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा कि वी रिक्वायर्ड अ गन फॉर दैट पर्पस. तो दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलेटेड थ्रू द वोल्टेज बाय 10 टू 50 किलो वोल्ट एंड फोकस बाय द गन टू अ स्पॉट कॉल्ड क्रॉस ओवर. तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो दिस इज द क्रॉस ओवर नियर द एनोड. आप ये कह सकते हो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, सो दैट दे कैन एक्सेलेट इट टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा. ठीक. और यूजिंग गन हम इसे फोकस करते हैं ताकि इसी पॉइंट की तरफ जाए एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड द क्रॉस ओवर एंड द डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर अप्रॉक्सीमेटली. देन दिस क्रॉस ओवर इज सीन नियर द कैथोड जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया. दिस इज द क्रॉस ओवर. आफ्टर दिस नाउ द लेंसेज इन द इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल कॉलम आर मैग्नेटिक. अब ये यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर स्कैटर भी होगा, देयर इज इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग और देन उसके बाद ये यहां पर मैग्नेटिक लेंस के ऊपर स्ट्राइक करेगा. सो दीज लेंसेज आर मैग्नेटिक इन नेचर. सो जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन आपकी इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स द फील्ड ऑफ द लेंस दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ फोर्स. तो वो फोर्स की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज होती है और वी कैन से कि उसी फोर्स की वजह से ये सारे के सारे एक एंड पे फोकस कर रहे हैं. ठीक है. दिस इज द फोकस वन जो कि हमने यहां पर दिखाया. दिस इज द इंटरमीडिएट इमेज. ठीक है. सो अभी तक हमने क्या चीज देखी है, देयर इज अ कैथोड जो आपके इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करेगा, दिस इज अ थर्मियोनिक एमिटर, दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलेटेड टुवर्ड्स अ स्पॉट कॉल्ड क्रॉसओवर और इस क्रॉसओवर के बाद ये बीम आपकी मैग्नेटिक लेंस पे पास होगी जहां पे उस पर एक फील्ड, जहां पे उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड. नाउ व्हाट हैपेंस. Now, many rules of the light optics apply here, such as law relating to object distance, image distance, and the focal length. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, this is L not length, this is LI length, this is L not two length, and this is LI two length. तो यहाँ पे आपका जो हमारे ऑप्टिक्स में काफी अप्लाई होते हैं रूल, दैट इज व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द इमेज डिस्टेंस, कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए. सो वो यहाँ पे एज इट इज रूल के लिए मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, दैट इज 1/L0 + 1/LI = 1/F. And what about, जैसे कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बोला था कि this first lens is for magnification. तो what is the magnification of this lens? Magnification of lens is given by M = Li/L0. तो basically ये M1 है, that is given by the Li/L0. तो यहाँ पे अगर मैं M1 के लिए लिखूंगा तो इसके लिए Li क्या हो जाएगा, Li1/L0 because this distance divided by this distance. This is the magnification of your first lens. Similarly, after passing this first lens, there is an intermediate image is formed with this magnification. And this is the object which is further demagnified by the second lens to form a spot in the image plane of diameter. अब ये आपका फिर से second lens से pass होगा जिसका काम है demagnification करना. अब demagnification के बाद फिर से आपका spot एक तरह से आपके image plane पे पहुंचेगा with the diameter di is called MD0, where m क्या है, M1 M2, जहां पे D0 आपका होगा diameter of the object and M2 is what, magnification of the second lens जिसे हम बोल रहे हैं demagnification. ओके. सो दिस इज द सिंपल, आई कैन से मैंने बहुत डीपली अंदर नहीं गया हूँ या डीपली मुझे ज़्यादा इसमें नहीं जाना है. अगर मैं आपके सिलेबस या आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपको अगर लिखने के लिए आता है इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी क्या है, या इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी में क्या होता है, देन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम और दीज लाइन्स यू कैन ईजिली एक्सप्लेन कि इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी में बेसिकली किस तरह से हमारा इमेज जो है सोर्स से मतलब एक तरह से वेफर प्लेन पे ट्रांसफर हो रही है. सो आई थिंक कि आपका इस लेक्चर को पढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी क्या होता है, व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्ट, जैसे हमने बोला था पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजिस्ट कैसे ब्रेक होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, एंड व्हाट इज द होल इलेक्ट्रॉनिक्स और वी कैन से ऑप्टिक्स इन्वॉल्व इन योर इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी. तो इस लेक्चर में इतना ही.
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम बार बार बहुत बार बात कर चुके हैं एचिंग प्रोसेस की, सो वी विल अंडरस्टैंड द एचिंग प्रोसेस. बेसिकली थोड़ा सा डिटेल में हो जाएगा एक लेक्चर की हाँ एचिंग प्रोसेस क्या होता है. मतलब डिटेल से इतना नहीं, मतलब सोचेगा कि बहुत बड़ा लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ. मतलब एचिंग को अभी तक हम बात करें कि एचिंग इज यूज टू रिमूव, या हमने केमिकल सॉल्यूशन में उसे डिप कर दिया, रिमूवल हो गया, तो वो रिमूवल बेसिकली कैसे होता है उसी को हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशन है वेट केमिकल एचिंग. वेट केमिकल एचिंग, तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसी को लेंगे, वेट केमिकल एचिंग. तब तक के लिए स्टे ट्यून, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू.